अभी अभी बाहरी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास बिल्डिंग में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा, 26 की मौत, कई के फंसे होने की आशंका। घटना दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास बनी कमर्शियल बिल्डिंग की है। इसमें शुक्रवार शाम आग लग गई। आग लगने की सूचना शाम 4:30 बजे मिली। इसमें 26 लोगों की मौत की खबर है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दमकल की लगभग 24 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। इस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई है और डेड बॉडीज निकालने की आशंका है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग लगने की सूचना करीब शाम 4:40 पर मिली थी। इसके बाद दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर ने इसे दुखद बताया है। वहीं पुलिस ने अभी 14 लोगों की मौत और 12 के घायल होने की पुष्टि की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर गहरा शोक जाहिर किया है। अधिकारियों ने बताया, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 544 के पास बनी बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने का काम जारी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इमारत में फंसे लोगों को खिड़की के शीशे तोड़कर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाहरी दिल्ली के DCP समीर शर्मा ने कहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में कई कंपनियों के दफ्तर हैं। खबरों के अनुसार एक महिला की पहले ही मौत हो गई थी। अभी पूरा 3rd फ्लोर सर्च होना बाकी है। कई और लाशें मिलने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर सुनील चौधरी ने 26 शव बरामद होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने की खबर मिली थी। DCP आउटर ने 14 शवों के बरामद होने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक फायर के अधिकारी मृतकों का आंकड़ा 30 के पास जाने की आशंका जता रहे हैं।